नमस्कार आम सहर को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस विजिलेंस जालरे बलांगीर जिला कृषि अधिकारी 7000 टंका लांच नेबा बेले काबू हला बलांगीर विजिलेंस छानबीन समय एक पैकेट गंजेई जबत बासभवन में चढ़ाउ सह अधिक तदंत जारी एसीएफ सौम्य मृत्यु मामला न्याय पर कटक सौम्यों बापा क्राइमब्रांच एडीजी को प्रश्न तदंत के कहीं बदलिले डीएफओ सीबीआई तदंत दाबी जिबे कोर्ट क्रिस्ट कॉलेज छात्र तुषार मृत्यु मामला दुई गिरफ्तारी को नहीं तुषार बापा ऋषिकेश साहू प्रतिक्रिया कहले घटनार मुख्य अभियुक्त बांधवी और बड़ भौणी से दुईज गिरफ होगा दरकार पूरी पिपिली बड़ंगा थाना विस्फोरण उड़ा थानार छात भुशुड़ा कांथ आईआईसी ऑफिस आज समेत बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट विस्फोरण को नहीं प्रश्न उठाइले बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र पुलिस तनाघना जारी श्रीमंदिर रत्नभंडारू चोरी हो जाए कि सुना अलंकार 1960 मसीहा परठारु रत्नभंडार चाबी ट्रेजरी को जाना सूचना अधिकार आईन में आसला बड़ तथ्य कहा पाखरे थिला चाबी रत्न भंडार में सुरक्षित अच्छी तो रत्न सृष्टि हला बड़ प्रश्न पुरी प्रशासन नुआ एसओपी को नहीं एवं चिंतार क्षुद्र व्यवसायी उत्तर द्वार ठारु श्रीमंदिर कार्यालय ग्रांड सेंटर ठारु जगाबोलिया लज पर्यंत पार्किंग नो पार्किंग उठा दोकानी को रास्ता उपरे बसि व्यवसाय करने मना 35 प्रकार नूतन किसमर फसल को राष्ट्र उद्देश्य से समर्पण कले प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से स्वतंत्र कार्यक्रम शुभारंभ उन्नत ज्ञानकौशल विकसित होई नुआ किसमर फसल जो रही जलवायु परिवर्तन एवं पुष्टिहीनता सह लड़िबार क्षमता एथर संपूर्ण खबर विजिलेंस जालरे बलांगीर जिला कृषि अधिकारी हिमांशु शेखर पाढ़ी 7000 टंका लांच नेबा बेले काबू कला बलांगीर विजिलेंस पीओएस मेसीन पाई फंड किटाल दुर्योधन बारिकों ठारु नेउथिले लांच लांच नेबा समय अचानक बलांगीर विजिलेंस विभाग चढ़ाव करथिला कृषि अधिकारी हाथी सालपड़ा घरे छानबीन कलापर एक पैकेट गंजेई विजिलेंस विभाग कृषि अधिकारी हिमांशु शेखर पाढ़ी को विजिलेंस विभाग ऑफिस रे अधिक पचराउचरा करा जाउछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बलांगीर लाच नवा 7000 सर कौन कौन मिले क्रिस्ट कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू को नियमित मानसिक निर्यातना दिया जाउथिला शेषे तुषार आत्महत्या भली चरम निष्पत्ति कमिशनरेट पुलिस स्पष्ट करी मृत्यु मामलें तांक प्रेमिकों समेत चारिजण को अभियुक्त दर्शाई जगतपुर थाना पुलिस दुईज अभियुक्त को गिरफ्त करी तुषारकांत प्रेमिका बड़ भौणी पुरुष बंधु दिव्यरंजन बेहरा और कौशल्य प्रधान को पुलिस गिरफ्त करी तुषार नाबालिका प्रेमिका और प्रेमिका बड़ भौणी को पुलिस अभियुक्त दर्शाई बेले से विरोध में भी खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पुलिस पक्ष सूचना मिली एने तुषार बापा ऋषिकेश प्रतिक्रिया रखिंट घटनार मुख्य अभियुक्त होषार बांधवी और बड़ भौणी से दुईज गिरफ्त होगा दरकार पुलिस ठारु आशा हरई देथिले परिवार लोके यहाँ परे कोर्टर द्वारस्थ होइतिले कोर्टरे मामला परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पुलिस जो दीज आरेस्ट होती कौशल जुगु आम बहुत खुशी अच्छु कि दीज आरेस्ट होती बोली किंतु आम चाहूँ कि जो मैंने मेन आसामी जो मानी से माने से जो ताको मारी थेले कि ताको धमका झमका करी थेले मेंटली फिजिकली ताको टॉर्चर कर थेले से मानों को भी आरेस्ट करा जाओ हाँ से दीज झी जी कि बुलबुल आ बड़ भौणी श्रेया से आरेस्ट करा जाऊ आईदर तो आजीवन कारादंड दि जाऊ ना फांसी दि जाऊ मेन आसामी
जो ये बुलबुल आ ता बड़ भौणी सी अभिजय आरेस्ट होना आमर मेन ये दाबी रहुची जे तांकु केमती आग तुरंत आरेस्ट करा जाओ सेमान जेहेतु कि सेमान होजन सबुठार मेन आसेम होजन से दी भौणी सेमान को अभिजय आरेस्ट होना आउ सेमान को आरेस्ट हेले जाईकिनी आमको आरेस्ट होईकिनी सजा मिलिले आमको जाईकिनी टिके आमे संतोष लाभ करू। तबे निर्वाचन कमिशन अधिकारी आसुची सांबादिक सम्मेलन आसत नजर पकेबा ता बाहर पाखापाखि 700 एडिशनल पोलिंग पर्सन जोटा कि बूथ बाहर रहिबे जे कोविड जे नियम अछि कोविड नियम अनुसार जे भी तांको प्रस्तुति करबा पई तांको दायित्व दिया अछि से सब करेबे से पाखापाखि 2200 पोलिंग पर्सनल इंक्लूडिंग एडिशनल पीपल सेटा एंगेज करा अछि। पुलिस रे भी एक्सटेंसिव अरेंजमेंट है जी पुलिस पर्सनल रे पाखापाखि 2000 पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग बीएसएफ रे तीनटा कंपनी से डिप्लॉय कराई छी 32टा मोबाइल पार्टी अछि। पुलिस फोर्स इज लेड बाय एसपी ताको लीड करूछंती तांको सहाय्य 3 जने एडिशनल एसपी और 7 जने डीएसपी करूछंती और विभिन्न जगह रो फीडबैक जे हम पाको आसीथिबा आसीथांता आसे जे जेमती पॉलिटिकल पार्टी माने हमको वरी लिस्ट दियंती को बूथ रे गड़बड़ी होवार संभावना थाए किमा आ जे हम पास्ट हिस्ट्री देखी के जोटी बेसी राइवलरी थाए से सब देखी के केतेटा बूथ को क्रिटिकल बूथ बढ़िया डिजिग्नेट करा जाए से अनुसार 201 क्रिटिकल बूथ एथरे डिजिग्नेट कराई छी। तो प्रत्येक बूथ रे जणे माइक्रो ऑब्जर्वर किंबा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स किंबा वेबकास्टिंग किंबा वीडियो रिकॉर्डिंग एडिशनल गोटे अरेंजमेंट थिबो जेमती गड़बड़ी रे जोटी भी संभावना थिबो सेटा न हो आमे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रु वरी लिस्ट पाइथिलु जे देथिले हमको 97 बूथ रे तालिका देथिले आमे सब व्यवस्था से बूथ पाई मध्ये करिछु। एथरे पोलिंग पाई 423 गाड़ी मध्ये हायर कराइछि पोलिंग पर्सनल पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्स पाई इलेक्शन कमिश्नर जो गाइडलाइन अच्छी इलेक्शन कमिश्नर से अनुसार जे माने भी पोलिंग ड्यूटी रे एंगेज थिबे से प्राइवेट लोक हंतु किंबा गवर्नमेंट सर्वेंट हंतु जेमती पोलिंग पर्सनल किंबा इलेक्शन एजेंट कि काउंटिंग एजेंट ड्राइवर फोटोग्राफर वेबकास्टिंग करथिबा लोक समस्त डबल डोज वैक्सीनेटेड होबा कथा तार भी व्यवस्था कराई या भितरे जिलापाल जिला प्रशासन विभिन्न जगह रे कंस्टिट्यूएंसी एरिया रे स्पेशल कैंप आयोजित करथिले जे माने इलेक्शन एजेंट की पोलिंग एजेंट माने जे माने डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं नथिले सेमानकर वैक्सीनेशन पर व्यवस्था कराई छि इमान को कोआ छि जते बेले ड्यूटी रे आसीबे से वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट मध्ये नै कि आसीबे और ईवीएम रे सब व्यवस्था कराई छि टोटल 348 बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट रे व्यवस्था कराई छि जोटा एंगेज हबो ता बारे सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व ईवीएम रे व्यवस्था मध्ये कराई छि 8 जन ईसीआईएल हैदराबाद रु आमे टेक्निकल लोक इंजीनियर मान को आमे एंगेज करू छि से माने विभिन्न जगह रे कैंप करथिबे यदि कोटी किछि टेक्निकल प्रॉब्लम ईवीएम की वीवीपैट रे आसीबो इमीडिएटली माने अटेंड करिवे ता बारे हमर सेक्टर अफसर मानको भी स्पेयर ईवीएम गुड़ाक दिया है यदि कोटी सेमती असुविधा हेले सांगे सांगे रिप्लेसमेंट करिवार भी व्यवस्था करा होची। पोस्टल बैलेट जेमती कोविड बेले स्पेशल गाइडलाइन आसथिला कि 80 वर्ष रु ऊर्ध वोटर मानक पाई किंबा फिजिकली हैंडिकैप वोटर मानक पाई किंबा कोविड सस्पेक्टेड अफेक्टेड वोटर मान से माने घरे रही के मध्ये वोट दे पारिबे से अनुसार 924 पोस्टल बैलेट वोट वोट आमे या भितर कलेक्शन कर सारी छु। एबे लास्ट 3-4 डेज भितर हमर बूथ लेवल अफसर जे अछंती से प्रत्येक वोटर को टच करिवे आ गोटे चिरकुट जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप कहा जाए जोटी वोटर का डिटेल तंकर को पोलिंग स्टेशन रे वोट देबे आ इलेक्ट्रल रोल रे सीरियल नंबर ए डिटेल गुडाक थाए से सब एबे डिस्ट्रीब्यूशन चली छि से वोट वोट जो दिन वोट अछि तापुर रे सब वोटर को एटा डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो तापरे अन्य अर्लियर जमती होतिला इपिक जे मेन पहचान पत्र हो इपिक जे वोटर आई कार्ड जे इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी हुए किंतु ता बारे जहाँ इपिक न थिबो से 11टा अन्य डॉक्यूमेंट मध्य अछि जहाँ प्रचार प्रसार एबे करा होछि से मध्य दे के वोट देबा पई आसी पारिबे
हैंडिकैप वोटर मान विशेष व्यवस्था कराऊ घर आई आणिके पुनी वापिस नहीं जीवापाई ता संगरे बूथ रे व्हील चेयर वॉलंटियर एमानंकर व्यवस्था कराई जमती से माने सुरखुर रे आसी के वोट दे पारिबे। ईवीएम विषय रे अवेयरनेस करिवा पाई हमर स्वीप एक्टिविटी मध्ये चली छि विभिन्न जगह रे ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन गुड़ा कराउ छि। कोविड सेफ इलेक्शन करिवा पाई जते प्रस्तुति हेबा कथा कराई छि प्रत्येक वोटर को हैंड ग्लव दिया जीवो मास्क सैनिटाइजर व्यवस्था अच्छी समस्त टेम्परेचर मेजरमेंट हम बिफोर दे इंटर इनटू द बूथ जे मान टेम्परेचर टी नॉर्मल रु अधिका थी किंबा अन्य किसी सिम्टम थी कोविड टाइप गोटे चिरकोट दिजिव गोटे टोकन दिजिव से टोकन को नहीं के फेरी और लास्ट वन आवर भितर से आसिक निज वोटा दे पारे स्पेशल अरेंजमेंट से बड़े आम तरफ करा प्रत्येक बूथ रे जने नोडल ऑफिसर नोडल स्टाफ कोविड नोडल स्टाफ अपॉइंटमेंट कराई जनरली आशा वर्कर कि आंगनवाड़ी वर्कर को दिखाई जे सब कोविड रिलेटेड जिते प्रोटोकॉल अच्छी ताको भल भाव कराने तदारख करेंगे और सी साइए या भितर आम कैंपेन पीरियड सरी जाए कैंपेन पीरियड भितर अल्प केतेटा कंप्लेन आसला तीन टा कंप्लेन आसला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करने जार इंक्वायरी करेड्रेस कराई ताबार कोविड प्रोटोकॉल वायलेट करने चार्टा केस बुक हो 5000 टंका फाइन कलेक्शन कराई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मानू कोविड सेफ इलेक्शन आ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पीसफुल इलेक्शन करने सब व्यवस्था जिला प्रशासन तरफ इलेक्शन कमिशन तरफ कराह आशा करूँ इलेक्शन बहुत सुरखुरी सुचारू रूप से हम पास्ट रे आमे देखी जो मीडिया मान मीडिया पर्सनल मान तरफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान तरफ बहुत भल कॉपरेशन आम पाई गला थे जिते बड़े कोविड बड़े इलेक्शन होता जगत सिंहपुर और बालेश्वर रे बहुत पॉजिटिव कवरेज आपन मान द्वारा दिखाई ताजो वोटर मैंने उत्साहित है कि बहुत संख्या रे आसिक वोट दे थर भी से अनुसार सहयोग आपन मानू कामना करुच्छी आशा करुच्छर मध्य सब प्रकार सुविधा जोटा कि इलेक्शन कमिशन तरफ दि जाए से माने पाइबे भल भाव कवरेज करेंगे। धन्यवाद। तो एसएफ सौम्य मृत्यु मामला न्याय पाई कटक रे सौम्यों बापा क्राइमब्रांच एडीजी को प्रश्न केते पाट गला तदंत काहीं बदलें डीएफओ यहाँ विद्याभारती काहीं गिरफ्त करानी जंगल मंत्री को काहीं तदंत परिसरभुक्त करगक सीबीआई तदंत दाबी में हाइकोर्ट जाते सौम्यों बापा क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा को भेट दाबी उठाई सौम्यों बापा पूर्व पुलिस क्राइमब्रांचर तदंत को नहीं प्रश्न उठाई आसी सौम्यों परिवार एपरिक जंगल मंत्री संप्रति अभोग अभियोग आनी तदंत शिथिल होता संगीन अभियोग कर एसएफ सौम्य मृत्यु घटना को आज कि 50 दिन बीती जाए किंतु एपर्यंत सौम्यों परिवार को एपर्यंत न्याय मिल पारे ना कौन लोक ए गिरफ्तना जहाँ कि गोटे असंतोष प्रकाश कर सौम्यों बापा अभिराम महापात्र आज क्राइमब्रांच एडीजी को भेटा आसते निश्चित भाव में आम सहित अभिराम महापात्र अच्छा सहित आलोचना करवा सर प्रथम अर्घ स्वागत करी सर आज क्राइमब्रांच एडीजी भेटिक आसते कौन दाबी रखी कौन पर भेटा आसते आज जो आम विद्याभारती ताकु कौन पाई अरेस्ट कराऊनी डीएफओ को सेठ कहीं बदली करा जाऊना प्लस से पारलाखेमुंडी फरेस्ट ऑफिस भितर जो एसएफ भास्कर राव जो पूर्वतन जगुआली गंगा प्रधान आमर से माली से ड्राइवर एम को सब तदंत को ले सत्य निश्चित बाहर आम ममता राणी पंडा ओआईसी आई आई सी विवेकानंद स्वाई तहसिलदार मेडिकल डाक्तर आपको समिस्टिंग की नहीं कि आउ थे तदन करने दाबी देलु सर ए निकट देखिए क्राइमब्रांच दुई दुई जन लाइट डिटेक्शन टेस्ट कला प्रथम डीएफओ विद्याभारती से गोटे प्रकार क्राइमब्रांच चुप ही बस पड़ी एपर्त कौन निष्कर्ष पहुँची पारे भावुँच ना क्राइमब्रांच एपर्त भरोसा अच्छे कि आपय देव तेणु तो आज जहाँ मत डी देखा एडीजी को देखा कहले भरोसा देखते आमको न्याय देवे देखा कौन हो
ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ପ୍ରଥମେ ପାରାଳା ପୋଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା, ଆଜି 50 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, 75 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, କୌଣସି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ପ୍ରକାଶ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଏଥିରେ ସେଇ DFO ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀର ଲୋକ, ତାର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାତୀୟ ଦଳ ବଦଳି କରିଦେଲେ, ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ସିନା ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ FIR ନୋଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଛି 95% କିରାସିନିଲ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ପୋଡ଼ି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କିରାସିନ ଢାଳିକି ପୋଡ଼ିଦେଇ ପାରୁ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା, ଭାଙ୍ଗିଲା କାନ୍ଥ, ଉଡ଼ିଲା ଛାତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଥିବା ମାଲଗୋଦାମ ଗୃହରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ଥାନା। ଥାନା ଭିତରେ ଥିବା ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଥାନା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଦା ଗଦା ବିସ୍ଫୋରକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ SPଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IG ନରସିଂହ ଭୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। আমরা হাই লেভেল ইনকোয়ারি স্টার্ট হয়ে যাইছি আর মালখানার কিছু আইটম পাই কিছু হয়েছি ডিটেইলড ইনকোয়ারি পরে আমি কিছু কহিব কু জায়গার সিজ হয়েছিল কেমতি যে আপনার ডিটেইল কহলে কি কেবেরু থিলা ডিটেইলড ইনকোয়ারি পরে সব জিনিস ক্লিয়ার হব আর ফর্দর কার্যানুষ্ঠান ইনকোয়ারি রিপোর্টরে দিয়া যাব। আমরা আডিশনাল SP যে অনেক পি প্রধান তাকে প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি আজি হি সবমিট করিবা পাই কহা হইছি, সন্ধ্যা সুদ্ধা সে প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি সবমিট করিবে, বাকি ডিটেইলড অ্যানালিসিস করিবাকো পড়িবো, কাগজপত্র পুরা দেখিবাকো পড়িবো, তারপরে আমি আপনাকে ডিটেইল দেবো। এই ঘটনা পরে আমি এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধান করা যাব, সাইন্টিফিক টিম কু ঘটনাস্থল কু সেমানে অলরেডি পৌঁছিছন্তি, সেমানে তন্ন তন্ন করি পরীক্ষা করিবে, আও এই ঘটনারে যে পুলিশ অধিকারী এতি পাই দায়ী বলি তদন্তরে জানা পড়িবো, সেমানক বিরুদ্ধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা। এই ঘটনা পরে আমি ডেফিনেটলি সব থানা অধিকারী মানুষ ইমিডিয়েটলি আজি হি দিন ভিতরে সমস্ত তনতন করি তাঙ্কর মালখানাটা পরীক্ষা করিয়া পাই তাঙ্কর মালখানা অনুধান করিয়া পাই নির্দেশ দিয়া যাইছি এবং আমি এনশিওর করিবু যে সব থানাটা সমস্ত পাই সুরক্ষিত যেমিতি জলদি করা যাবে। প্রারম্ভিক কারণরু যাহা আমি বুঝুছে যাহা জানুছে যেগুড়িক বাণ গুড়িক সিজ হয়েকি থিলা 18 মসিহার সবগুড়াক বাণ গুড়িক সিজ হয়েকি থিলা এবং যে সোলার পাই যে ব্যাটেরি গুড়িক থিলা তা আমার সোলার সিস্টম পাই প্রায় 15টি 18টি ব্যাটেরি সে আর এক্সপ্লোজন হয়েছে বলে প্রারম্ভিক জনাপড়ছে, বট তদন্ত চলছে, তদন্ত পরে স্পষ্ট চিত্র বাহিনী ইলেকশন পাই তাঙ্কপাই সমস্যা কিছু না। এটি 4টি পঞ্চায়েতর 26টি বুথ বলঙ্গা থানা অন্ডরে আসছেন, আমি দে উইল টেক কেয়ার বিকজ অফ ইলেকশন ন্যাচুরালি সে তাঙ্কর যা করিবার কথা সেমানে কৌছন্তি, তেণু এ প্রভাবিত করিবা মতো সেমতি বিশেষ লাগুনি, দে আর প্রিপেয়ার দে আর সে ଏତେ ବୋମା କିମ୍ବା ଏତେ ବିସ୍ଫୋଟକ ଗୋଟେ ଥାନା ଭିତରେ କାହିଁକି ଥିଲା? ଇଏ ତ ଆଇନ ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ଲଫୁଲ ନୁହେଁ। ବିସ୍ଫୋଟ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ କାଳାବଧି ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ଏ ବିସ୍ଫୋଟକ ପଦାର୍ଥ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେବା କଥା, ସେ କାଳାବଧିଟା କ'ଣ, କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋଟକ ରଖା ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସେଇ ଥାନାରେ ଫାଟିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନର ଥାନା ଫାଟିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ବୋମା ଫାଟିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ TV ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କି ବୋମା ଫାଟିପାରେ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଉପଦ୍ରବ ହେଇପାରେ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି, କିଏ ଆ ପଛରେ ଦାୟୀ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପନିଶ କରିବା, ଏ ସବୁ କଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା କଥା। କାହିଁକି କି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ତା ଭିତରେ ବୋମା ଫାଟିବା, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଡ଼ିଯିବା, ଇଏ ଉଚିତ।
मात्राधिक विद्युत शुल्क वृद्धि अघोषित विद्युत काट प्रतिवाद रे बलांगीर विद्युत विभाग ऑफिस घेराव केसरिया हिंदू बाहिनी तरफ एही घेराव करा जाय छि दिन को 8 रु 10 थर अघोषित विद्युत काट होछि जा फल रे साधारण लोक नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होछन्ते तुरंत समस्या रा समाधान करा न गले आगामी दिन रे आंदोलन को तीव्र करा जबो बोली केसरिया हिंदू बाहिनी चेतावनी दै छि। बलांगीर जनसाधारण को स्वार्थ दृष्टि रु आज आम केसरिया हिंदू बाहिनी तरफ आज से विद्युत विभाग कार्यालय को घेरव करुचु आम दाबीपत्र देवु एसी सार को तारपर तर प्रतिक्रिया देखूतापुर आम आम आगामी दिन कार्यपन्था आलोचना करूँ आगामी दिन में जदि से दाबी उपर कि नजर नदे कि दाबी को जदि न शुणे तो आंदोलन जोरदार हे। सीमा विवाद को नहीं 22 घंटा धरी गाँव में पड़ रहा मृतदेह घटना रे किए तदंत कर देखाई बद केन्दुझर जिला आनंदपुर उपखंड दीपपाल गाँव जड़े नवविवाहिता मृतदेह शोवा घर झुलुवा बेले दीर्घ 20 घंटा पर जिला सीमा बद जो मृतदेह को उद्धार करा कारण मृतदेह झुलुवा घर टीर अधांश जाजपुर जिले में आसुवा बेले अधांश केन्दुझर जिले में आसुच्छे तेणु क्यों पुलिस घटनार तदंत कर स्पष्ट हो पार नवविवाहिता मृतदेह झुलता अवस्था मिलवा पर लोके घसीपुरा थाना को खबर देते पुलिस भी आसी कि सीमा बद जो कौनसी पदक्षेप नहीं नथिला परे परिवार लोके जाजपुर जिलार तमका पुलिस को खबर देते तमका पुलिस आसी नथिला दीर्घ 22 घंटा पर घसीपुरा पुलिस मजिस्ट्रेट उपस्थित रे मृतदेह को जबत कर तदंत करते तेज नवविवाहिता शशुर घर लोक हत्या करप घर लोके अभियोग आनी तांको ससुर देले कौन कहले छ एठी देखिबो मु कहिन कौन हेइजी तमे कुओ कहले ना तमे आस मु सेड विरक्त हनि मु कहिन तमे कौन हेइजी कुओ घोगारु मोबाइल रे जानि पाइलु ए माने झियो मरि जाइछि आमे आइन रो आश्रय ने जो हमगु न्याय मिल आमे आउ किछि कहिबाय छ मु ता बाप रे ता बापा कु दिथर फोन करके कहिछि जे ये एमिति होछि एमिति डराण दउछि आ तुम्हें आस सी भी थे आसी आसिक बुझाबुझि करके तुम्हें व्यस्त हुआना आना कौन मारू आम किए कौन कौन खाई कौन टाक मारू सीमा विषय में असुविधा हो केन्दर बाला कहते हैं आमर नुहे जाजपुर बाला आसीना एपर्तंत मैंने कालीठू घटनाटा घटलानी आज भी नुहे कि सका भी नुहे कि रात नुहे कल दिन एपर्तंत आईन किसी पदक्षेप नौनी ये कथा कथ आम चाहूँ शीघ्र गाँव रू डेड बडी नहीं जाओ तुम मेडिका टेस्ट कर क्या पोस्टमार्टम करो कि तारे जा करिया तांको परिवार लोग नियो कि गां सारा लोग काई होरा नै ब्रह्मपुर रे पहुंचिले एमिनेंस टीम तीन जणिया टीम पहुंचितबा सूचना रहिछि आज ब्रह्मपुर स्टेशन रो विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य सह स्टेशन परिचालन रो तदारक करिवे शहर रो बुद्धिजीवी क सह विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करिवे कमिश्नरेट पुलिस पंजारे तीन हाइवे लुटेरा डकायती योजना पंड तीन जन गिरफ भोर तीन टा समय रे पेट्रोलिंग बेले एही तीन लुटेरा को धरिछि पीसीआर पिस्तल धरी सत्संग विहार रास्तार लुटपाट पर योजना करुले लुटेरा पुलिस को देखी लुटेरा माने घटनास्थल खसी जा उद्यम करते पीसीआर रे थिबा पुलिस स्टाफ एही तीन लुटेरा को काबू कर थाना को आनी निकट गोटे पिस्तल और बाइक जबत होइछि आम सहर बर्तमान खबर ये समय सच्चे बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।